370 हट गई है। उसके बावजूद भी इन 3 दिन से हमलों ने एक बार फिर से देश को कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ये आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म क्यों नहीं होता। पुलिस ने आशंका जताई है कि इलाके में और भी आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। साल 2022 में कुल 30 जवान चरमपंथी हमलों और चरमपंथ विरोधी अभियानों के दौरान मारे गए। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत हुई रविवार को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले से। 370 हट गई है। उसके बावजूद भी इन 3 दिन से हमलों ने एक बार फिर से देश को कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ये आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म क्यों नहीं होता है। इस बस पर चरमपंथियों ने फायरिंग की जिसमें बस खाई में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। रियासी के बाद जम्मू के ही कठुआ और डोडा में चरमपंथी हमला हुआ। जम्मू पुलिस के मुताबिक कठुआ में जो हमला हुआ उसमें 2 संदिग्ध चरमपंथी मारे गए हैं, यानी कि उग्रवादी आतंकवादी जो भी कहें। हालांकि पुलिस ने आशंका जताई है कि इलाके में और भी आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि इस एनकाउंटर में 1 CRPF जवान की भी मौत हो गई है, यानी कि वो शहीद हो गए हैं। डोडा जिले में सुरक्षा बलों चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और अब तक सेना के 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस अफसर जख्मी हो चुके हैं। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो दम भरते थे कि 370 खत्म होते ही वहां पर अमन चैन लौट चुका है, तो फिर आखिर कौन है वो लोग जो ऐसे लोगों को बरगला कर उन्हें इस रास्ते पर पहुंचा रहे हैं। वहां पर जम्मू के ADGP आनंद जैन ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने समन्वय के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए CRPF का एक जवान शहीद हो गया, हम उसकी शहादत को सलाम करते हैं। साथ ही एक और आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारा गया है। इलाके में और आतंकवादियों के छुपे होने की संभावना है, इसलिए हमने फिलहाल अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया है। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि कुछ हथियार पाकिस्तान में निर्मित हैं। पुलिस ने बताया कि इलाके में तलाशी अभियान अब भी जारी है। इससे पहले इस मुठभेड़ में मंगलवार को एक चरमपंथी के मारे जाने की खबर सामने आई थी। बुधवार को पुलिस ने एक और चरमपंथी की मौत का दावा कर दिया। मंगलवार की देर शाम को सूचना मिली कि कठुआ जिले में एक घर में कुछ चरमपंथी घुस गए हैं। जम्मू के ADGP आनंद जैन ने बताया कि आतंकवादी जैसे दिखने वाले 2 लोग 11 जून की शाम को सैदा सुखल गांव में पहुंचे। उन्होंने कुछ घरों में जाकर पानी मांगा, जिससे गांव वालों को संदेह हुआ। गांव वालों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। इस दौरान कुछ लोगों ने शोर मचाया, जिससे आतंकवादी घबरा गए और हवा में फायरिंग करने लगे। गांव के ही रहने वाले एक शख्स जो रास्ते से जा रहे थे उन्हें गोली लग गई, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के बयान के मुताबिक पुलिस ने CRPF की मदद से पूरे क्षेत्र को कार्डन कर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार की रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हीरा नगर सेक्टर के सैदा गांव में घर पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर मैं DC कठुआ राकेश मिसान के साथ लगातार संपर्क में हूं। मैं घटनास्थल पर मौजूदा कठुआ SSP अनायत अली चौधरी के साथ भी संपर्क में हूं। जिस घर के मालिक पर हमला हुआ मैंने उनसे भी मोबाइल फोन पर बात की है। कठुआ हमले के कुछ देर बाद जम्मू के ही डोडा जिले में एक और चरमपंथी हमला। पुलिस के मुताबिक डोडा के चट्टर गला इलाके में स्थित 4 राष्ट्रीय राइफल और पुलिस के संयुक्त चेकपोस्ट पर चरमपंथियों ने हमला कर दिया। खबरों की माने तो गोलीबारी में सेना के 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस अफसर घायल हुए हैं। फिलहाल सुरक्षाकर्मियों चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इससे 2 दिन पहले रविवार को जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ और बस खाई में जा गिरी। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है, 33 से ज्यादा लोग घायल हैं। रियासी की SSP मोहिता शर्मा के अनुसार श्रद्धालुओं की एक बस शिवखोरी से कटरा जा रही थी। चरमपंथियों की गोलीबारी के बाद बस खाई में जा गिरी। इस हमले में घायल हुए एक शख्स अतुल मिश्रा ने बताया कि हम लोग बस में बैठे थे, शिवखोड़ी से जा रहे थे कटरा के लिए। अचानक एक आतंकवादी गोली चलाने लगा, उसके बाद हम लोग बस में ही लेट गए। फिर बस खाई में जा गिरी। जब गोलीबारी बंद हुई तो कुछ आदमी हमें खाई से ऊपर लेकर आए और फिर हमें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। ये साल जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर हुआ सबसे बड़ा घातक हमला है, लेकिन उससे भी ज्यादा गौर कर देने वाली बात यह है कि हमला ऐसे इलाके में हुआ जिसे शांत माना जाता है। रियासी हमले के समय बस में कम से कम 50 लोग मौजूद थे। बस के ड्राइवर कंडक्टर जम्मू के रहने वाले थे, जिनकी मौत हुई है। मारे गए श्रद्धालुओं में से 4 राजस्थान और 3 उत्तर प्रदेश के हैं। कांग्रेस ने कहा कि BJP जम्मू कश्मीर में शांति होने का खोखला दावा करती है, लेकिन बीते 3 दिन में हुए 3 हमलों में इस दावे की पोल खुल गई है। कांग्रेस नेता और मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया और दावा किया उनके पास पाकिस्तानी नेताओं को जवाब देने के लिए तो समय है, लेकिन आतंकवादी हमलों की निंदा करने के लिए समय नहीं है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में शांति और समन्वय स्थिति होने को लेकर BJP के झूठे दावों की पोल खुल गई। BJP ने कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ने की सहमत नहीं उठाई। ये इस बात का सबूत है कि उनकी नया कश्मीर नीति पूरी तरह से फेल है।
उन्होंने बताया कि बीते सालों में जम्मू का पीर पंजाल इलाका चरमपथ का गढ़ बनता जा रहा है। खेड़ा ने कहा, क्या यह सच नहीं है कि पिछले दो सालों में पीर पंजाल रेंज राजौरी और पुंछ अब सीमा पार आतंकवाद का केंद्र बन गया है? क्योंकि पिछले दो सालों में इन इलाकों में आतंकी हमलों में 35 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं और अभी आतंकवादी पड़ोसी रियासी जिले में भी फैल गया है, जिसे अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण माना जाता है। जम्मू क्षेत्र में पुंछ और राजौरी जिले पीपल पंजाल पर्वत श्रृंखला में पड़ते हैं। पिछले महीने पुंछ जिले के सुरनपुंछ इलाके में भारतीय वायुसेना के काफिले पर चरमपंथियों ने हमला किया था। हमले में एयरफोर्स के एक अधिकारी की मौत हो गई थी और 4 घायल हुए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उस क्षेत्र में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो कई दिनों तक चला। इस दौरान चरमपंथियों का कोई सुराग नहीं मिला। 31 मई को पुंछ के मरहा बुफलियाज में रात को सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों चरमपंथियों के बीच फायरिंग हुई, लेकिन अंधेरा का फायदा उठाते हुए चरमपंथी भागने में कामयाब रहे। रियासी का हमला साल 2022 के बाद से जम्मू में श्रद्धालुओं पर हुआ दूसरा हमला है। मई 2022 में वैष्णो देवी से लौट रही बस में आग लग गई थी, जिसमें 4 श्रद्धालु मारे गए थे, 24 घायल हुए थे। शुरुआती जांच में इसे दुर्घटना बताया गया, लेकिन जांच के बाद पता चला कि बस में चरमपंथियों ने एक बम प्लांट किया था, जिसकी वजह से धमाका हुआ और आग लग गई। 2021 के बाद से जम्मू के पीर पंजाल क्षेत्र के राजौरी और पुंछ जिलों में चरमपंथियों ने कई हमले किए हैं और उससे सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ है। 2023 में जम्मू कश्मीर में सेना के कुल 19 जवान मारे गए। बीते दो सालों में 2 दर्जन से ज्यादा सेना के जवान पीर पंजाल में मारे गए हैं। इस इलाके में 20 अप्रैल 2023 को 5 जवानों की जान गई। इसके अलावा 5 मई 2023 को 5, 22 नवंबर 2023 को 5 और 21 दिसंबर 2023 को 4 जवानों की जान चली गई है। आपको बता दें कि कुछ पोर्टल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 2022 के मुकाबले में साल 2023 में सुरक्षा बलों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल कश्मीर में चरमपंथी घटनाओं के आंकड़े इकट्ठा करता है। साल 2022 में कुल 30 जवान चरमपंथी हमलों और चरमपंथ विरोधी अभियानों के दौरान मारे गए, जबकि 2023 में अभी तक कुल 33 सैनिकों की जान जा चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर कब कश्मीर में शांति आएगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे।